जय हिंद फ्रेंड्स। भारतर उत्तर सीमार बढ़ुवा संभावित विपद को ध्यान में रखि भारतीय सेना एक सशक्त रॉकेट फोर्स गठन करने जाऊँगी। क्रम में डिफेंस फोर्स 250 प्रबल बैलिस्टिक मिसाइल आउ 2 यूनिट गठन कर अर्डर देवाक प्रिपेरेसन करोजन 7500 कोटी अधिक खर्च हो। गत वर्ष डिसेंबर मासरे डिफेंस मिनिस्ट्री वायुसेना गोटे यूनिट प्रबल मिसाइल मंजूरी देते वर्तमान तीन सेना रॉकेट फोर्स गठन कर एएनआई रिपोर्ट मुताबक सशस्त्र बल प्रबल बैलिस्टिक मिसाइल 2 यूनिट गठन अधिग्रहण करना को रॉकेट फोर्स स्थापित करने दिगरे वृद्धि हो। अन्यपटे इंडियन आर्मी पर मिसाइल किणवा प्रस्ताव अंतिम चरण में रही खुब शीघ्र मंजूरी मिल जा आशा कर। प्रलय मिसाइल 150 किलोमीटर पर्यंत निजर टार्गेट को हिट करें यह सहित मझेरे निश्चित सीमा अतिक्रम करने निजर रास्ता परिवर्तन करिपारे। टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहीपरिया। प्रलय मिसाइल ओजन 5 टन अटे। यह हाई एक्सप्लोसिव पीसीबी 500 किलोग्राम 1000 किलोग्राम वायरहेड को बहन करिपारे। टू स्टेज रॉकेट मोटर सहित थर्ड स्टेज एमएआरवी इंजन लगी। प्रलय मिसाइल मैक्सिमम स्पीड Mach 1 रो Mach 1.6 अटे जहाँकि वायरहेड उपर डिपेंड करिथाय। एहा छड़ा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगी। प्रलय मिसाइल भूपृष्ठ को निक्षेप कर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल अटे। प्रलय मिसाइल को 2015 निर्माण करने आरंभ कर। प्रलय मिसाइल को भारत तीन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल टेक्नोलॉजी आधार में तैयारी कर। प्रलय मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी 10 मीटर 33 फुट अटे। प्रथम थर पर डिसेंबर 2021 रे लगातार 2 दिन 2 थर यह मिसाइल सफलता पूर्वक परीक्षण कर। प्रलय मिसाइल चीन डोंगफेंग मिसाइल को काउंटर करने तैयारी। प्रलय मिसाइल सबुठ खास तथ्य है हमला करने राति यूज करे। चाइना निकट में प्रलय भली डोंगफेंग 12 मिसाइल रही बेले पाकिस्तान निकट में गजनबी M11 और शाहीन मिसाइल रही। गजनबी और M11 पाकिस्तान को चीन ठार दान मिली। तेज आपण मैंने कमेंट कर कहतु सतरे पाकिस्तान प्रलय मिसाइल को काउंटर कर। भिडियो जदि पसंद होते एक जय हिंद लिखा भूलंतु नहीं। आम चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। जय हिंद।